जय श्री श्याम। आप सभी भक्तजनों को मैं कपिल भगत जी भवाना धाम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी भवाना धाम में आ रहे हैं हर संडे को और हर शनिवार को झाड़ा लगेगा। अभी जो मंगलवार को झाड़ा लगता था वो संडे को चेंज कर दिया गया है, क्योंकि कुछ भगत थे 48 घंटा दरबार नहीं चल सकता था, तो शनिवार और एतवार इसीलिए रखा गया है क्योंकि अब ये दरबार 48 घंटे लगातार नॉन स्टॉप चलेगा। उसके लिए आप अभी जो मंगलवार को आते थे वो एतवार को मतलब संडे को आए, ना कि मंगलवार को। तो आप ही के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है, तो आप इस व्यवस्था को कायम रखें। और आप सभी के लिए इस भवाना धाम में बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया है कि आपको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था इसीलिए की गई है। अब 48 घंटे दरबार चलेगा, मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, अब 48 घंटे दरबार चलेगा, शनिवार और एतवार चलेगा। अगर कोई मंगलवार को कोई भी प्रेमी आता है झाड़ा लगवाने या किसी बीमारी के लिए, वो एतवार को आए ना कि मंगलवार को, क्योंकि एक तो छुट्टी के कारण, दूसरा भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण ये दो दिन का दरबार 48 घंटे के लिए किया गया है। 48 घंटे के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 48 घंटे के लिए किया गया है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भवाना धाम जहाँ कटते रोग तमाम, वो पावन भूमि है भवाना। जय श्री श्याम।